दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस मीटर को खोलने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले स्टीयरिंग का ये निकालना पड़ेगा। सिंपल, एक यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर डाल के आप इसको पीछे कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत से लोगों को डाउट हो जाता है कि टूट सकता है, टूटेगा नहीं है। आराम से एक स्क्रू ड्राइवर डाल के पीछे कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली जो क्लिप है इसको बाहर निकाल लेना है पूरा, ठीक है। आराम से ये भी निकल जाएगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्योंकि लॉक फंसे रहते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से ये भी बाहर आ गया, देखिए इस तरीके से रहता है। एंड अब इसके बाद हम खोलेंगे स्टीयरिंग इस तरफ से, इसको यहाँ पर सिंपल स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको भी ऊपर उठा लिया जाता है इस तरीके से। टूटता नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड प्रोसेस भी यही है इसको निकालने का, ठीक है। ये ऐसे ऐसे लॉक्स में फंसा रहता है। अभी इसके बाद अगली चीज़ भी दिखा देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर इसमें स्क्रू ड्राइवर डालना है, खाली स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं। सब लॉक्स लगे रहते हैं, प्लास्टिक के लॉक्स इसके अंदर, ये कि वाइट कलर के सब दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे ही वो उधर से निकाल दिया, ऐसे ही यहाँ पर ये लॉक है, इसको भी ऐसे ही निकालेंगे, बाहर निकल जाता है ये, ठीक है ना। एंड अभी ये क्लस्टर मीटर भी निकालना है, इसी के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो क्लस्टर मीटर के लिए मैं दिखा देता हूँ ज़रा आपको। मीटर को खोलने के लिए देखिए, एक स्क्रू आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, 20 की भीड़ से खुलेगा। एंड एक स्क्रू ऊपर होता है, इस गाड़ी में है ही नहीं, ठीक है, इसमें हम लगा देंगे बाद में वर्कशॉप जाके। एंड इधर देखिए, दो स्क्रू यहाँ पर होते हैं। तो क्लस्टर मीटर के अंदर ये चार स्क्रूज लगे रहते हैं, ठीक है। तो इन चारों स्क्रूज को खोलने के बाद ये क्लस्टर मीटर बाहर आएगा। एंड बड़े ध्यान से बाहर निकालना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, कैसे निकालना है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड इसका एक कनेक्टर लगा रहता है पीछे, वो कैसे निकलेगा वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर वापस इसको रिफिक्स करेंगे, वो प्रोसेस भी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। अभी इसको क्या करना है, ऐसे ही पीछे से पकड़ के आराम से ऐसे लिटा लेना है। एंड ये देखिए कनेक्टर है इसका, ठीक है। एंड कनेक्टर निकाल देना है, ये एक कनेक्टर आपको इस तरफ मिलेगा, ये भी ऐसे ही निकालना है, मीटर बाहर आ जाता है। एंड इसके पीछे आपको दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ये देखिए क्लस्टर मीटर का कनेक्टर है, एंड एक कनेक्टर यहाँ पर है ये। एंड ये अर्थिंग वायर के बोल्ट हैं, मतलब ये अर्थिंग के, ये मेन हार्नेस इसके पीछे आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। एंड ये कपड़ा वगैरह रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का इसकी ये जो मेन है ना, ये है इसके अंदर, क्या नाम, जो बेस देती है डैशबोर्ड को, डैटसन रेडिको के अंदर ये आधा है, वहीं तक है जहाँ वो नंबर से लिखे हुए हैं। और इसी वजह से उस पुरानी गाड़ी में आवाज़ आती थी, क्योंकि उसमें पूरा बेस नहीं था, और एक तरफ से डैटसन रेडिको का जो वो था डैशबोर्ड, वो हिलता था। देखो, एंड देखो मैं इसमें ये लॉक्स निकाल रहा हूँ, तो आपको आराम से ऐसे सिंपल स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये निकाल लेने हैं, ठीक है। मैं एक लॉक दिखा भी दूंगा हाथ से, कि कहाँ से इसको लॉक को दबाना है एंड कैसे इसको बाहर निकालना है। एक्चुअली इस गाड़ी में आ रही है आवाज़, जैसे ही हम रफ रोड पे गाड़ी को चलाते हैं तो खर 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 इस तरीके की आवाज़ आती है, एंड अंदर से ही आती है डैशबोर्ड साइड से। तो ये लॉक्स में हमें लगा कि इसमें आवाज़ है, इसलिए हम इसको खोल रहे हैं, ठीक है। सारे लॉक्स हम निकाल के वापस क्लस्टर मीटर को लगा के गाड़ी को एक बार चेक करेंगे चला के, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप गाड़ी का क्लस्टर मीटर या कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ करें, उसके लिए बैटरी का टर्मिनल आपको खोल लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने खोला हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों हमने सब कुछ हटा लिया है, ठीक है, यहाँ से लॉक्स निकाल लिए हैं ये वाले, ठीक है, ये सारे जो लॉक दिखा रहा था मैं। अभी निकालने के बाद अभी हम मीटर भी नहीं लगाएंगे। एंड एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, बिना मीटर के गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, एंड आवाज़ भी सुनेंगे आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। मीटर रख दिया है पीछे, अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, ज़रा अभी दिखाता हूँ आपको गाड़ी स्टार्ट करके। ये देखो गाड़ी स्टार्ट है, मैं आपको ज़रा बोनट भी खोल के दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ठीक है, निसान टेरेनो 110 गाड़ी है, एसी भी ऑन है गाड़ी का, गाड़ी स्टार्ट। एंड मैं दिखाता हूँ आपको मीटर है कि नहीं है गाड़ी में, ये देखो क्लस्टर मीटर है ही नहीं। तो अभी लेते हैं रोड टेस्ट, एंड हवा भी बढ़िया आ रही है, कूलिंग। तो अभी हम चलते हैं एक बार और, ठीक है। ये देखिए मीटर दोबारा दिखा रहा हूँ, निकाल दिया है। एंड ये देखिए स्टीरियो का ये कवर ओवर सब निकले हुए हैं, तो चलो एक बार चलते हैं, अगर आवाज़ आती है तो मैं आपको भी सुनाता हूँ। तो ये देखो विदाउट मीटर हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, एंड आवाज़ हमें इसमें सुननी है गाड़ी में आ रही है कि नहीं आ रही है।
और आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है ना। कुछ भी इलेक्ट्रिकल इशू आ सकता है, हमारे पास हर एक सिस्टम वगैरह होता है प्रॉपर। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे पास एक एक इक्विपमेंट होता है, उससे हम अपनी गाड़ी को ठीक कर लेते हैं। आप ना करें ये, मैं आपके लिए ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम आवाज़ सुनेंगे दोस्तों, ये आवाज़ इसमें आ रही है, आप ध्यान से सुनो। इस आवाज़ के लिए हमने क्लस्टर को भी खोला था, ठीक है। तो अभी भी ये आवाज़ बनी हुई है इसमें ना, तो अभी इसी आवाज़ को हम फाइंड आउट कर रहे हैं कहां पर है, एंड जैसे ही हो जाती है उसका हम करते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इसी साइड से आवाज़ आ रही है इस गाड़ी में, तो चलो जैसे ही मिलेगा जिस चीज़ का भी वो होगा, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसी इस चीज़ की वजह से लाइट आ रही थी। मैक्सिमम टाइम होता क्या है फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जो ये है ना तार वगैरह, ये इसके मतलब ये हेडलाइट का वायर हो गया, एंड ये इनमें प्ले वगैरह होते हैं, एंड यहाँ पर ये, एंड पीछे जो ब्रेक के पाइप वगैरह हैं इनमें प्ले बन जाता है, मतलब ये थोड़ा सा वाइब्रेट होने लगते हैं। एंड जो इनके प्रॉपर ब्रैकेट होते हैं, जैसे ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये प्रॉपर ब्रैकेट में नहीं बैठ पाते या निकल जाते हैं, उसी वजह से आवाज़ आता है, ठीक है ना। मतलब ये आवाज़ जो आ रही है कहीं ना कहीं कोई पाइप वाइप ही अटक रहा है लग रहा है इसमें, एंड उस वजह से ये आवाज़ बनी हुई है। तो उसी को ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अंदर डैशबोर्ड भी खोल रखा है, मतलब घुसा हुआ है भाई हमारा, ठीक है। एंड अभी इस तरफ मैं आगे की तरफ मैं देख रहा हूँ कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। इसका ज़रूर सॉल्यूशन करेंगे, समाधान जो भी है वो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों अभी हमें फॉल्ट मिल चुका है, ना तो भाई इंजन रूम में मिला, ना ही हमने क्लस्टर खोला वहाँ मिला, तो फॉल्ट मिला है यहाँ पर। इन्होंने कहीं पर डैशबोर्ड ये खुलवाया होगा कस्टमर ने, ठीक है। तो ये जब डैशबोर्ड खुलता है ना, तो ये वाली पत्ती के बोल्ट भी खोलने होते हैं। अभी मैं इस पर हाथ मारूंगा तो आवाज़ सुनना, ठीक है, ये आवाज़ सुनना आ रही है ना। तो ये डैशबोर्ड इसका खुलेगा, खुलने के बाद ये पत्ती टाइट होगी, पत्ती के इसके बोल्ट लूज है। और अभी मैं बिना डैशबोर्ड खोले भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डैशबोर्ड खुल के ही इसका जो बोल्ट है पत्ती वत्ती वो टाइट होगी, एंड उसके बाद मैं आवाज़ सुनाता हूँ आपको गाड़ी को कम्प्लीट पैक करके, ठीक है। तो चलो, तो अभी मिस्टर सलीम उस्ताद जी हमारे लगे हुए हैं, मैं इन्हीं की बात कर रहा था उस दिन लाइव में जब इनका एक वो आया था, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रीशियन है एक्चुअली, जो भी है, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, निशान की गाड़ियों के तो एक्सपर्ट है, ठीक है। तो ये अभी इसको टाइट कर रहे हैं, देख लेते हैं, यहीं पे टाइट हो जाता है, वरना डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा खोलना पड़ता है यार फिर डैशबोर्ड वगैरह, एंड बहुत टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर ऐसे ही बंद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी देखिए क्लस्टर मीटर भी इसका खोला हुआ है ना, और सलीम साहब कर ही रहे हैं इसको, तो चलो देखते हैं, अगर आवाज़ बंद हो जाती है, वैसे तो होगी, पक्का करके ही दूंगा। तो बोल्ट टाइट कर दिए हैं हमने उसके, जो आपको बताया था कि ये पत्ती के बोल्ट लूज थे, एंड अभी गाड़ी चला के देख रहे हैं, यहाँ फोकस रखी हुई है ना सलीम जी। तो अभी हम चलाते हैं, हर तरीके के रोड पे इसको चलाएंगे, कम से कम 1.5 किलोमीटर सीधा। पहले नीचे ले लेते हैं, पहले तो इतने पे भी आवाज़ आ रही थी, यहाँ ले क्लस्टर के पास। तो अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसी वजह से मतलब ये देखिए, छोटी छोटी सी लापरवाही जब हो जाती है ना किसी से, बाहर गाड़ी में काम कराया होगा कस्टमर ने, तो हल्की सी लापरवाही की वजह से बहुत इरिटेटिंग ये साउंड आ रहा था, हर जगह पे साउंड आ रहा था, ये देखो अब नहीं है ना कहीं भी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, गाड़ी मेरे पास आई, इससे मैंने कस्टमर का क्या फ़ायदा कराया, कस्टमर का ये फ़ायदा करवा दिया कि डैशबोर्ड खुलने से बच गया, डैशबोर्ड की लेबर वो होता है कि 1000 से 1500 रुपये लेबर हो जाती है खोलने की, खोलना और फिट करना 1000-1500 रुपये कस्टमर के बच गए, एंड दूसरा टाइम भी उनका बच गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसमें हमने कस्टमर के लिए कर दी मेरी तरफ से, डीलर पे तो आपको पता ही है, क्या बताऊँ। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, एंड ये आवाज़ हमने कम से कम रोड पे ही घूम रहे हैं 2 से 3 घंटे हमें हो गए हैं, ठीक है।
तो ये आवाज़ बंद हो चुकी है। तो दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, बंद हो चुकी है, ठीक है। तो वो कहाँ थी? वो यहाँ पर थी नीचे की तरफ। मैं गाड़ी रोक लेता हूँ ज़रा। तो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर ना, यहाँ पर जब ये डैशबोर्ड खुलता है तो दो लोहे की पत्ती होती हैं, ये जो लोहे की है ना, ये रोड इसमें वो फिक्स होके रहती हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे एक इस तरफ एक इस तरफ, किसी दिन डैशबोर्ड खुलेगा तो मैं दिखा दूंगा। तो उसमें ना इस तरफ की जो प्लेट थी जो मैंने आपको दिखाई है, उसके बोल्ट टाइट नहीं थे ऊपर वाले, वो लूज थे, इस वजह से वो आवाज़ आ रही थी। तो चलो फिर, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।